नमस्कार, घर का जायका विद खुशबू में आपका स्वागत है। यूँ तो आपने कई बार गार्लिक ब्रेड खाए होंगे, पर पहली बार खाइए लहसुनी पाव यानी गार्लिक पाव, वो भी किसी अवन के। तो देर किस बात की है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आप मेरी वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने इसके सारे इंग्रेडिएंट्स को लास्ट में नोट कर दिया है, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, तो लहसुनी पाव के साथ खाने के लिए बटर सॉस भी ज़रूरी है, तो पहले हम बटर सॉस बना लेते हैं। तो इसके लिए हम एक पैन लेंगे और पैन को गर्म करेंगे। पैन जब हल्का गर्म हो जाए तब हम उसमें बटर मिल्ट करेंगे। बटर भी जब गर्म हो जाए तब हम इसमें चिली फ्लेक्स और लहसुन ऐड करेंगे और उसे सौते करेंगे। इसे हम जब तक सौते करेंगे जब तक कि इसकी खुशबू ना आने लगे। और मैं ये आपको इंडक्शन पर बनाकर बता रही हूँ। अब इससे भीनी भीनी खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच मैदा। मैंने यहाँ पर दो चम्मच बटर लिया है तो एक चम्मच मैदा लिया है। इसकी क्वांटिटी आप इसी हिसाब से रखिएगा, यानी दो चम्मच बटर तो एक चम्मच मैदा। अब मैं इसे धीरे धीरे कुक करूँगी धीमी आंच पे। जब ये तेल छोड़ने लगे तब हम इसमें ऐड करेंगे ठंडा मिल्क और इसे चलाते रहेंगे। इसे जब तक चलाएंगे कि ये लम्स ना पड़े। आप यहाँ पर ब्लेंडर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ जुगाड़ कर बता रही हूँ, सो आप चम्मच से भी कर सकते हैं। ये अब अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। अब हम इसे एक दो मिनट के लिए कुक करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट टू टेस्ट और इसे एक दो मिनट के लिए उबाल आने तक कुक करेंगे। जब ये थोड़ी गाढ़ी हो जाए तब हम इसमें स्वाद के लिए ऐड करेंगे काली मिर्च पाउडर। ये सारी चीज़ें की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से भी रख कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये गाढ़ी हो गई है और हम गैस को ऑफ कर देंगे, सॉरी इंडक्शन को बंद कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये इतनी गाढ़ी होनी चाहिए, ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा ही गाढ़ी। ये अब तैयार है। अब हम दूसरा स्टेज कर लेते हैं गार्लिक पाव के लिए। तो इसके लिए हम लहसुन लेंगे और इसे कूट लेंगे। जब ये अच्छी तरह से कूट जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च के दाने और इसे भी रफली चॉप कर लेंगे या फिर कूट लेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स और बटर और इसे चम्मच की हेल्प से मिक्स कर लेंगे। ये अब तैयार है। अब इसमें स्वाद के लिए हम ऐड करेंगे सॉल्ट, क्योंकि नमक तो ज़रूरी है ना। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और साइड में रख देंगे। अब मैं यहाँ पर बड़ा वाला पाव ले रही हूँ, इसे चार बराबर भागों में हम कट कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, इसे कट कर लेते हैं। देखिए, मैंने इसे चार बराबर भाग में कट लिया तो ये आठ पीस हो गए। अब मैं आपको इसके आगे का प्रोसेस बताती हूँ। तो इसके लिए एक
पाव लेंगे और उस पर हम बटर पेस्ट ऐड कर देंगे, या फिर चम्मच की हेल्प से लगा लेंगे या फिर हाथों की हेल्प से। ये बहुत जल्दी बनने वाला डिश है और बच्चे भी इसे मांग मांग कर खाएंगे, तो आप इसे एक बार अपने घर पर ज़रूर बनाइएगा। लीजिए, मैंने इसके चारों तरफ से बटर पेस्ट लगा दिया है और मैं इसे साइड में रख देती हूँ और इसी तरह से मैं सारे पर भी कर लेती हूँ। देखिए, मैंने सारे पे बटर पेस्ट लगा दिया है, अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ और आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। और आप इस तरह से लगाकर फ्रिज पर भी रख सकते हैं और जब मन करे आप खा सकते हैं। तो इसके लिए एक पैन लेंगे और पैन को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। जब पैन गर्म हो जाए, मतलब इसे बहुत ज़्यादा गर्म करना है, प्री हीट, तब हम इसमें वन ऐड करेंगे और इसे सौते करेंगे और इसे चम्मच की हेल्प से उलट फेर करते रहेंगे। देखिए कितनी अच्छी तरह से सेका है, लग रहा है ना देखने में सुंदर, क्योंकि घर का जायका विद खुशबू में जो दिखता है वही पकता है। इसी तरह से हम सारे पाव को भी सौते कर लेंगे। ये अब तैयार है, इसे हम निकाल लेते हैं और प्लेट पे साइड में रख देते हैं। इसी तरह से मैंने सारे को सौते कर लिया है। अब ब्रेड भी तैयार है और पेस्ट भी तैयार है, तो चलिए इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए एक प्लेट लेंगे और प्लेट पर सबसे पहले हम बटर सॉस रखेंगे और फिर उस पर गार्लिक पाव। और ऊपर से छिड़क देंगे इस पर रेड चिल्ली और ब्लैक पेपर, इससे हमारी पाव का स्वाद दुगना तिगुना चौगुना बढ़ जाएगा। तो चलिए अब हम इसे टेस्ट करके बताते हैं कि ये कैसा बना है। इसे हम डिप करेंगे सॉस में और टेस्ट करेंगे। वाओ, इट्स टू यम्मी। यकीन नहीं होता तो आप इसे एक बार अपने घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसा बना है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे एक लाइक और अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर ज़रूर करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पुराने हैं तो नोटिफिकेशन को ऑन करें। प्लीज़ सपोर्ट मी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है kanojiakhushbu122। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और आसपास सफाई बनाए रखिए, क्योंकि अपना भारत स्वच्छ भारत। और इंग्रेडिएंट्स भी चेक कर लीजिए। तो चलते चलते मेरे इन दोनों वीडियो में से किसी एक पर भी क्लिक कर दीजिए, इसमें से भी आपको इंटरेस्टिंग डिशेस मिलेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड नमस्कार।